नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। कड़ाके की ठंड के बीच अब नए प्रशासन के द्वारा चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण लोगों को परेशानी और भी झेलनी पड़ रही है। चौक चौराहों पर लोग अलाव का सहारा नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने खाना पूर्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ कंबल का वितरण कर दिया है, लेकिन चौक चौराहों पर अभी भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। वहीं जिला प्रशासन को ये व्यवस्था करनी चाहिए। ये काम सहरसा के समाज सेवी कर रहे हैं। नगर प्रशासन के मुंह पर तमाचा मारते हुए समाज सेवी ने चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराई। समाज सेवी समीर पाठक एक गाड़ी पर जलावन लादकर वार्ड नंबर 11 के हर एक चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करते नजर आए। अलाव की व्यवस्था हम करके नगर पालिका को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये काम नगर पालिका सरकार की है, ये आम जनों की नहीं है। हम तो खाना, वो लोग अभी तक मरने का इंतजार कर रहे हैं, जो कोई ठंड से मरा क्यों नहीं। वो मरेंगे तभी अलाव की व्यवस्था करेंगे या कम्बल बांटेंगे। कुछ जगहों पर कंबल बांटा गया जो खाना पूर्ति के नाम पर किया गया। अभी देख लीजिए कितने गरीब यहाँ खड़े हैं। आज तक आप लोगों को कंबल मिला है क्या? नहीं नहीं। लकड़ी मिला है क्या? नहीं। ये कहीं से भी नगर पालिका जो है सिर्फ कागज पे काम करती है, गरीब के लिए अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। निरंतर काम चलते रहेगा क्या आपका? बिल्कुल चलता रहेगा, जब भी ठंड होगी मेरा ये काम चलता रहेगा। क्या नाम है? समीर पाठक, सहरसा। शिव कुमार भगत की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।